हेलो, आई एम डॉक्टर आरपी चौधरी। आज हम एनवायरमेंटल लॉ पे चर्चा करेंगे। एनवायरमेंटल लॉ में वास्तव में एलएलबी और बीएलएलबी दोनों पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड होता है। इसमें हमारे एनवायरमेंटल लॉ में पांच मॉड्यूल्स हैं। पांच मॉड्यूल्स में फर्स्ट मॉड्यूल कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग पे डिपेंड है। ये इसमें सबसे पहला है एनवायरमेंटल मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। सेकंड है पॉल्यूशन पे, मीनिंग काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। और थर्ड पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि एनवायरमेंट का मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है। इस पे चर्चा करते हुए हम ये जानकारी लेंगे कि वास्तव में एनवायरमेंट शब्द होता क्या है और एनवायरमेंट का अवधारणा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो एनवायरमेंट वास्तव में हमारे आसपास का एक वातावरण है, पर्यावरण है। हिंदी में इसको हम पर्यावरण जैसे शब्द से संबोधित करते हैं, जो परि और आवरण दो शब्दों का संयुग्मन है। परि का अभिप्राय हमारे आसपास का जो वातावरण है, यह पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण जैसा इस पृथ्वी पर है, सौरमंडल में जितने प्लेनेट्स हैं उसमें अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे जीवन संभव हो पाया है। और वो उस जीवन के संभव होने का मुख्य कारण है कि यहां का एनवायरमेंट इस जीवन के अनुकूल है। इस जीवन में हम देखते हैं कि एनवायरमेंट में जो चीजें हैं जिनके कारण जीवन संभव हो पाया है, या जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो किस तरह से यहां पर उपलब्ध है। तो वास्तव में इसके अंतर्गत हमारे आसपास जो सराउंडिंग है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनती। तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत लिविंग थिंग्स में वो सब चीजें आ जाती शामिल हैं जिसके अंतर्गत वनस्पति और जैव जगत आता है। तो इस वनस्पति और जैव जगत के अंतर्गत लिविंग थिंग्स मानी जाती है, जिसमें पेड़ पौधे घास आदि है। और अन्य प्राणी, ये भी लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आती है। और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत वो सब चीजें जो इस पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत हम मानवकृत या मानव निर्मित चीजों को शामिल नहीं करेंगे, जैसे कि टेबल, मकान इत्यादि जो भी होम ह्यूमन मेड चीज है, मानव द्वारा निर्मित चीजें हैं, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं होती। तो अभिप्राय यह है कि जो नेचुरली उपलब्ध है, प्राकृतिक तौर से यहां पर उपलब्ध है, तो वो ये सब चीजें हमारे को हमारे सराउंडिंग में जो है उससे हम अपना पर्यावरण समझते हैं। और इस अनुकूल पर्यावरण के कारण ही इस धरती पर, इस पृथ्वी पर लाइफ संभव हो पाई है, जबकि अन्य प्लेनेट पर लाइफ संभव नहीं हो पाई है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एनवायरमेंट को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारण है, एक तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग में हम बायोटिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं पारिभाषिक तौर से, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जंतु जो वास्तव में बहुत छोटे होते हैं, या तो फिर जैसे चींटी इत्यादि कीड़े मकोड़े, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हवा में तैरते हैं या पानी में रहते हैं परंतु नंगी आंखों से हमको दिखाई नहीं देते हैं, उनको यंत्रों के माध्यम से देखा जाता है। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। जब हवा में ऐसी चीजें, हवा का जो सांद्रण है प्रभावित होता है, तो उससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव जंतु है, इनका जीवन भी प्रभावित होता है। इसी प्रकार से पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी एटमॉस्फेयर प्रभावित करता है। और उसी प्रकार से मृदा में भी रहते हैं, मृदा में भी उसको उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, एक स्तर पर बनाए रखने, उसमें भी ये सूक्ष्म जीव जंतु शामिल होते हैं, जिससे इसका जल, वायु और मृदा, सॉइल, इनका जो एटमॉस्फेयर पर से इसका गहरा रिश्ता होता है। इसी प्रकार से प्लांट्स, पेड़ पौधे, पत्तियां, तो ये भी एनवायरमेंट का एसेंशियल पार्ट है। और ये जो नेचुरली ग्रो करते हैं,
इससे दूसरे प्राणी इस पर आधारित होते हैं, इनको अपना भोजन बनाते हैं, और दूसरे मांसाहारी प्राणी उन शाकाहारी प्राणियों के मांस को अपना भोजन बनाते हैं, तो कुल मिला के ये भी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इसी प्रकार से अन्य एनिमल जो इसके अंतर्गत आते हैं ये प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, और ह्यूमन बींग भी एक सोशल एनिमल के नाम से पुकारा जाता है। वास्तव में यदि किसी मनुष्य को एनिमल कहा जाए तो वो बुरा मानेगा, परंतु वास्तव में वो भी एक जीवित प्राणी है और एनिमल है, क्योंकि बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसको अलग से एक कैटेगरी के रूप में माना जाता है और उसकी भी जिम्मेदारी होती है। तो ह्यूमन बींग भी एक एसेंशियल पार्ट है। ह्यूमन बींग अपने नेचुरल रिसोर्सेज से जिस तरह से अपना जीवन यापन पहले से करता आया है, आज उससे बहुत भिन्न हो गया है, अन्यथा हो गया है। वो एसी के बिना नहीं रहता है, वो मोटर व्हीकल के बिना नहीं रहता है, इस प्रकार से वो पर्यावरण को क्षतिकारित कर रहा है। तो वास्तव में ह्यूमन बींग एक ऐसी चीज है जो एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को क्षतिकारित करता है। जैविक चीजों में देखने के बाद में हम अजैविक चीजों एबायोटिक चीजों पे आते हैं, तो इसमें गलती से ये ह्यूमन बींग लिख गया है, यहां पर एयर होना चाहिए था। तो एयर किसी भी प्राणी के जीवन के लिए आवश्यक होती है, और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जिस परसेंटेज में होती है उतने प्रतिशत मात्रा के अभाव में उसका जीवन संभव नहीं हो पाएगा किसी भी प्राणी का, और वो मात्रा वनस्पति के लिए भी आवश्यक होती है। तो इस तरह से यदि एयर को देखा जाए तो उसमें जो सांद्रण है अन्य गैसों का, तो उसका एक परफेक्ट ये होता है कि उस एयर को हम श्वसन क्रिया के माध्यम से ग्रहण करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। इसी प्रकार से वाटर में भी कुछ मिनरल्स होते हैं, सोडियम होता है और सल्फर वगैरह बहुत सी चीजें इसमें मिली होती है जो जीवन के लिए उपयोगी होती है। यदि ये क्षति इनको क्षति पहुंचेगी तो इससे एनिमल्स, ह्यूमन बींग, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी चीजों का जीवन प्रभावित होगा। इसी प्रकार से सॉइल, तो सॉइल और वाटर और एयर तीनों चीजें आज औद्योगिकरण का समय है, इसमें बहुत पॉल्यूशन ये सब कर रहे हैं, तो इससे ये तीनों चीजें प्रभावित हो रही है। वाटर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सॉइल में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ह्यूमन एयर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो गैसों के माध्यम से जो उद्योगों से निकल रही है, वाहनों से निकल रही है, गंदे जल के माध्यम से पानी में जो स्वच्छ जल में मिश्रित हो रहा है उससे उसका सांद्रण प्रभावित हो रहा है, मृदा में कचरा फेंका जा रहा है, प्लास्टिक काफी मात्रा में देखते हैं अपन, तो उससे उसकी उर्वरा शक्ति के लिए जो हानिकारक प्रभाव उस पर पड़ रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी आवश्यक है, क्योंकि हम आज यदि यहाँ पर पृथ्वी पर खड़े हैं तो उसका कारण, प्रमुख कारण यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अन्यथा हम यदि एक कदम इधर चलते तो पता नहीं किधर जाते, हम यदि अंतरिक्ष में जाएंगे तो हम अपनी दिशा से भटक जाएंगे, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। हमारा यदि कोई वेट है, वजन है, भार है, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, और हम यदि खड़े रह रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रह रहे हैं, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के अपने आप अक्ष पर घूर्णन और सूर्य के परिक्रमा करने के माध्यम से ग्रेविटेशनल फोर्स बना रहता है। इसके अलावा सनलाइट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और महत्वपूर्ण चीज के रूप में ये मानव जीवन या अन्य प्राणियों के लिए बहुत लाभदायी होता है, इसी से जीवन संभव हो पाता है, अन्यथा प्लांट्स एनिमल्स का जीवन संभव नहीं हो पाएगा। और अंत में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन, ये इस चीज को प्रभावित करता है कि इस रेडिएशन के माध्यम से अन्य प्राणियों के जीवन पर किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ा है, इसको हम एक इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो गौरैया नामक चिड़िया होती थी पहले घरों में, तो बहुत अधिक मात्रा में हुआ करती थी, और ये गौरैया आज नहीं दिखती है, क्योंकि उसके पीछे प्रमुख कारण विभिन्न शोधों में पाया गया है कि जब से मोबाइल टावर आए हैं रेडिएशन की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण वो दिशा भटक गई है और अपना जीवन समाप्त कर ली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में एक प्रॉपर न्यूक्लियर रेडिएशन होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, प्रॉपर सॉइल होना चाहिए, प्रॉपर वाटर होना चाहिए, प्रॉपर एयर होना चाहिए, जिससे बायोटिक
चीजों की लाइफ, जिसकी अनुकूलता पर बायोटिक चीजों की लाइफ निर्भर होती है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, ये सभी शामिल होते हैं। तो इस तरह से हम जो देखें तो इसमें कि एनवायरमेंट के अंतर्गत बायोटिक और एबायोटिक चीजें, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ये सभी शामिल होती है। हमारे आसपास इन सब चीजों पर पॉल्यूशन के कारण किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ रहा है, हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत वनों की कटाई हो रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, आवासीय क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। तो हमारे वन, पेड़ पौधे, जंगल, ये क्या है कि हमारे एयर में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करते हैं और बहुत सी अन्य मामलों में उर्वरा शक्ति, इस मृदा की, सॉइल की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भूगर्भीय जल को भी ये अंदर जो वर्षा का जल है इसको अंदर सोखते हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ इनकी मात्रा पर निर्भर करता है कि वनों की कटाई और एक्सप्लोइटेशन की वजह से और अन्य कारणों से मनुष्य ने पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसके कारण वाटर में, एयर में, सॉइल में और न्यूक्लियर रेडिएशन, इसका पॉल्यूशन आज पूरे धरती पर अपन देखने को मिलता है हमें। इस तरह इस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अन्य प्राणी या एबायोटिक चीजें एनवायरमेंट को प्रभावित नहीं करती हैं बहुत बुरी तरह से, यदि कोई बुरी तरह से प्रभावित करता है तो वह है मनुष्य, और मनुष्य को ही इस बात के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा कि वो इसके लिए इसको नियंत्रित करे, इसको भी नियमित करे। परिणाम स्वरूप अब हम देखते हैं कि पर्यावरण विधि कैसे अस्तित्व में आती है। तो इसलिए उन्होंने अपने को रेगुलेट करने के लिए, अपने को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया। तो यहीं से हम एनवायरमेंटल लॉ पे आते हैं, और एनवायरमेंटल लॉ का अभिप्राय होता है कि रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, और किस चीज को कंट्रोल करना, किस चीज को रेगुलेट करना, एनवायरमेंट में होने वाले विभिन्न प्रकार के लॉसेस को, क्षतियों को, नुकसान को। इस प्रयोजन से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू किया गया है, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 लागू किया गया है, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 लागू किया गया है, और बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में लागू किया गया है। इसके अलावा भी और अन्य कानून है, हमारे भारतीय संविधान में भी इस संबंध में व्यवस्था की गई है, और अन्य सिविल और क्रिमिनल लॉज में भी इस संबंध में अन्य प्रावधान, कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं, परंतु मुख्य रूप से ये प्रावधान है। तो इसमें हम देखते हैं कि एनवायरमेंट को किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके सेक्शन 2A में एनवायरमेंट को परिभाषित किया गया है। इसमें बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, भूमि, वन, पौधे आदि तथा सूक्ष्म जीव, प्राणी एवं मानव के अंतर संबंधों को पर्यावरण कहा जाता है। तो इसमें वो तीनों चीजें बायोटिक, एबायोटिक और मनुष्य, ये तीनों ट्रायंगल का आपसी कोरिलेशन को प्रभाव परिभाषित करते हुए ये परिभाषा एनवायरमेंट की दी गई है, एक सूटेबल परिभाषा मानी जाती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन यानी जो नेचुरल तौर से यहां पर उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत जल है, प्राकृतिक वायु है, प्राकृतिक भूमि है, वन है और अन्य पौधे, और इसके अलावा सूक्ष्म जीव, प्राणी एवं मानव जो शीर्ष पर है बुद्धिमान होने के कारण, इन तीनों के बीच जो आपसी अंतर संबंध होता है, जो एक दूसरे के प्रति रेसिप्रोकल होते हैं, पारस्परिक होते हैं, उसको पर्यावरण के नाम से पुकारा गया है। धन्यवाद। आज इसी के साथ हम आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करेंगे।